मीठा समोसा था, एक्चुअली सब चीज मीठी थी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इधर तो लग रहा है शिव जी ज्यादा मेहरबान है तुम पे। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए महाकाल के द्वार, जैन महाकाल मंदिर के जो गेट है यहाँ से। तो चलो अब खाना खाते हैं। खाना मंगाया, बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में, तो बाकी खा के पता चलेगा। सो अभी मंगाया है आलू गोभी, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, प्लस साई बाबा मंदिर जा रहे हैं, तो नॉनवेज ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। सो आलू गोभी मंगाई है और दाल तड़का है और साथ में रोटी, और उधर कुछ स्वीट डिश में भी मंगाया उन्होंने स्पेशल। दिखाओ क्या क्या मंगाया भाई। ये अभी बाद में दिखाओ। नाम क्या है? ये मावा बाटी है, यहाँ पे कुछ फेमस मतलब इंदौर, ये एमपी की। सो एमपी की फेमस मिठाई मंगाई है मावा बाटी, और प्लस गुलाब जामुन कुछ मंगाया रबड़ी। सो वो भी खाएंगे। सो फटाफट खाते हैं, भूख लग रही बहुत ज्यादा, अब वेट नहीं हो रहा है। तो खाना तो बहुत अच्छा था यार, सही में रियली में खाना घर जैसा बिल्कुल टेस्टी था। साथ में तवा रोटी थी चपाती, तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ गया मतलब खाने का। सो अब खाना खा के अब अन्नू ने मंगाया था स्वीट डिश में, यहाँ की लच्छा रबड़ी, इंदौर की लच्छा रबड़ी, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्या लग रहे हैं, मन तो बहुत कर रहा है खाने का पर हिम्मत नहीं हो रही है, नींद इतनी तगड़ी आ रही है। अभी वो खा लेगा अब मैं सारे टेढ़े मेढ़े हो गए खाना खाते ही। बाकी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, मन कर रहा है देख के खाने जा रहा। रबड़ी अच्छा, प्योर मलाई मलाई है जैसे कहते हैं ना, दूध के ऊपर मलाई निकला हुई, बहुत ही अच्छी है ये मावा बाटी। ये मावा बाटी है तो इसके साथ लगा के खाना ही है। अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। अच्छी बात बताओ, जब अकेले ट्रिप पे जाते हो सब मिलता है? टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। जब अकेले ट्रिप पे होता हूँ, सोलो होता हूँ ना, तो हिम्मत ही नहीं बची होती है, बस रूम में जाके खाना खाया और सीधा पड़ जाते हैं, और सुबह उठ के फिर दुआ राइट कर ले जाते हैं, तो इन चीज़ों का मन ही नहीं करता। और तुम्हें बाइक से ज़्यादा थकान गाड़ी में हो रही है, तुम कह रहे हो? हाँ मतलब अभी अनु ऐसी आज बात हो रही थी, तो आज मैं अभी जो केदारनाथ गया था 300 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप करी बाइक में, मुझे पता ही नहीं चला, और आज मैं इस अराउंड मतलब 700 किलोमीटर आया हूँ घर से अभी तक, यहाँ तक 700 के आसपास ही होगा। पूरा दिन लग गया मतलब अराउंड मतलब 12-14 घंटे लग गए, ज़्यादा ही लग गए। तो मुझे बाइक से ज़्यादा कम्फर्टेबल होता हूँ मैं राइड करने में गाड़ी के मुकाबले। अच्छा लग रहा है ना मिठाई। दोस्तों को पता ही होगा जैसे इंदौर में, इंदौर और इंदौर में एक जगह का नाम है, कौन सा मार्केट आए थे मैं तुम्हें, सफरा बाजार। आपको पता ही होगा एमपी में, भोपाल मध्य प्रदेश में एक सफरा बाजार के नाम से कोई है, मैं थोड़ा सा इंदौर में ही है। तो वहाँ पूरी फूड नाइट मार्केट लगती है। सो अगर टाइम मिला तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आपको कुछ खाएंगे अच्छे से चीज़ें, क्योंकि इंदौर आए और एमपी आए तो खाने का मजा नहीं लिया तो क्या फ़ायदा। सही में खाना फेमस है यहाँ का, यहाँ के चाट पकौड़ी ये सब। अंकल गए थे सुबह नाश्ते में, तो अभी एक्चुअली जहाँ जिस होटल में रुके हैं थोड़े अंकल थोड़े से अच्छे फैमिली टाइप के हो गए थे, बात करते करते कह रहे बेटा सुबह आप लोगों को यहाँ की फेमस जो जलेबी और कचौड़ी ये सब लोकल जो इनका ब्रेकफास्ट होता है वो कराएंगे, तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों एक सच्ची बताऊँ, मतलब दिल्ली में ये नहीं है कि नो डाउट मिठाई अच्छी मिलती है, बट ब्रांड की अच्छी होती है, प्लस ना मतलब ज़्यादा ही वो रिच बनाते हैं है। और ये जो मिठाई खा रहे हैं ना हम भी, ये देसी लग रही है और एकदम ट्रेडिशनल वाला स्वाद आ रहा है इसमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश। तो अभी हम हैं एमपी रतलाम में। सो रात का इस टाइम हमने यहीं किया था, काफ़ी अच्छा रहा, मतलब रात को घोड़े बेच के सारे सो गए। सो सुबह उठे हैं फटाफट, अभी बज गए हैं बैटरी डेड हो गई है घड़ी की, तो अभी बज गए हैं सुबह के 9:30।
फटाफट सब रेड उठ के रेडी हो गए क्योंकि अब यहाँ से निकलना है हमें उज्जैन के लिए महाकाल के दर्शन करने, उसके बाद वहाँ से निकलना सीधा शिरडी के लिए। तो अभी काफ़ी आधा रास्ता कवर हो चुका है, अभी आधा रास्ता बाकी है। इस अराउंड 600 किलोमीटर है यहाँ शिरडी अभी। तो आज रात तक वहाँ शिरडी पहुँचने का पूरा विचार है, मतलब कोशिश पूरी रहेगी। बाकी बाबू का अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है, दूध हमारा अभी हमने सिर्फ चाय पी है। तो बाहर निकल के यहीं के कुछ लोकल्स जो भी है फूड अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे महाकाल के दर्शन के लिए और उसके बाद शिरडी। सो चलो अब रेडी है, यहाँ से हम निकल रहे हैं, बैग वगैरह पैक हो गए, नहाके फ्रेश हो गए, अब निकलते हैं सीधा गाड़ी के लिए, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो अब हम रुके थे शिवाय होटल पैलेस, ये रेलवे स्टेशन है सामने रतलाम का, उसके अपोजिट में ये बिल्कुल, तो सही था स्टे, चीप एंड बेस्ट। और बाकी अभी यहाँ पे लोकल्स में नाश्ता ढूंढते हैं, नाश्ता करते हैं यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा सा, फिर यहाँ से गाड़ी खड़ी है मेरी और उधर पार्किंग में, पार्किंग में लगे उनका दूसरा होटल भी है तो उनके सामने पार्किंग लगी हुई है, तो वहीं खड़ी है होटल गाड़ी। तो जी ये खड़ी अपनी गाड़ी यहाँ पे, अब यहाँ से अनलॉक करके गाड़ी के होटल के बदलते हैं, वहाँ सामान रख के। फिर भैया कह रहे हैं कि एक अच्छी शॉप है बालाजी नाश्ता पॉइंट करके, काफ़ी फेमस है यहाँ रतलाम का, तो वहीं पर करते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाए तो और क्या चाहिए, पूरे दिन की एनर्जी यहीं से मिलती है। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठते हैं पहले। एक तो गर्मी बहुत है और क्या है, सोची अपना नाश्ता हो गया डन, पेट भर के खाया, छिक्के खाया, काफ़ी अच्छा लगा, तरह तरह की आइटम खाई, सबसे बड़ी बात यह है पोहा था, मीठा समोसा था, एक्चुअली सब चीज़ मीठी थी, ढोकला कचौड़ी, फिर एक लास्ट में खाया मैंने एक मावा बाटी यार नाम भूल जाता हूँ बार बार उसका, मावा बाटी रात को भी खाया था, अभी भी खाया अच्छा लगा। अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं उज्जैन के लिए। अभी मैं रुका हूँ अभी उज्जैन जाने के रास्ते में, और इतना सुंदर हाईवे दोनों साइड कितनी ग्रीनरी है देख के मन कर गया कि एक बार रुकते हैं और थोड़ी सी फोटो वोटो क्लिक कराते हैं इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना, तो आपको सारी फ़ोटो क्लिक्स और ये ब्यूटीफुल जो नज़ारे हैं आपको फ़ोटो सब आपको वहीं मिलेगा देखने के लिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो मैं रुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में विंड मिल, अभी तक मैंने देखी नहीं थी, मतलब देखी थी पिक्चर में देखी थी या फोटो या वीडियो में देखी थी, तो मैं फर्स्ट टाइम अपने सामने विंड मिल देख रहा हूँ। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो अभी शायद ये बन रहा है, अभी बना नहीं है, तो काफ़ी टाइम मतलब और भी देखे हैं मैंने इस रोड पे, अभी और भी बन रहे हैं, तो अभी बस जस्ट देख के मैं रुक गया था, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बटरफ्लाईज भी है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, बटरफ्लाईज भी है ना, हाँ बटरफ्लाईज भी है, हाँ कैसा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा। हाँ चलो अब आगे फोटो वीडियो क्लिक कराते फिर आगे चलते हैं। दोस्तों कैसी लग रही है रोड, देखो कितनी सुंदर रोड है, और साथ में देखो चल रहा है अपने विंड मिल दिख रहा है, ये देखो विंड मिल कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देखने में। सो अभी यहाँ से इंदौर है 44, माहू 27 और मुंबई है 584। हाँ कहाँ जाना है पक्का, ये बड़ी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है रोड की, तो ये भी पूछ लेते हैं यहाँ से चाचा से। चाचा मुझे उज्जैन जाना है, उज्जैन जाना आप, हाँ तो ये रोड जाओ सीधा इंदौर जाएगा, इंदौर से उज्जैन, इंदौर से उज्जैन, हाँ ये रोड जाओ सीधा आप, हाँ वो हवाई अड्डे का रोड आगे से पूछ लेना, हाँ गंगवाल वाला, हाँ गंगवाल वाला रोड से सीधा उज्जैन जाता है बाईपास जी, और ये मुंबई जा रहा है, ये तो इधर महू जा रहा है, महू और मुंबई, हाँ महू से वो फिर मुंबई फोर लेन लगेगा, अच्छा ये रोड जाना पड़ेगा आपको। अगर मुझे फिर वापसी अगर मुझे नासिक जाना हो तो यहाँ से यहीं आना पड़ेगा, नासिक भी जाना है, हाँ नासिक जाना तो ये फोर लेन यहाँ से रेवड़ से सीधी जा रही है, नहीं मुझे पहले उज्जैन जाना है ना, उज्जैन जाना है हाँ, तो इधर से जाना पड़ेगा पहले उज्जैन फिर वापसी आना पड़ेगा जी, हाँ वापसी आना पड़ेगा, वापसी आके फिर इधर से लेना उधर जाना पड़ेगा। एक सोना एक तो जो गूगल माता है ना थोड़ा सा घुमा फिरा देती है, तो इसमें कन्फ्यूजन इतनी हो जाती है, फिर लोकल्स की मदद लेनी पड़ती है कि कहाँ से क्या जाना है। अभी पूछते हम इस रोड पे आए हैं, ये इंदौर जा रहा है, इंदौर से फिर हमें कट लेना है उज्जैन के लिए, तो अभी देखते हैं
उसके बाद फिर मुझे फिर नासिक के लिए रोड लेना है, तो फिर शायद मैं भी वापस बैक इसी रोड से आना पड़ेगा। तो ये 4 लेन हाईवे आ गया है, अभी देखते कौन सा कह रहे थे हवाई पट्टी वाला रोड कोई कह रहे थे। अरे हवाई पट्टी नहीं, हवाई अड्डा, देखो जो भी हवाई पट्टी उसको वो बोलते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लेन, एयरपोर्ट रोड, जो भी है पता चल जाएगा, अभी देखते हैं। हवाई पट्टी कुछ अलग ही बना लो, हवाई पट्टी कह रहे थे यार सब। अरे मैं एयरपोर्ट बोलना नहीं आता। अरे अब यार ठीक है, बाकी तो अब ये इधर जाना किधर जाना समझ नहीं आ रहा ना। टोल हो गया अभी तक, जगह पे पहुंचे नहीं है। और खाते क्या है हम, 12 रुपए का पोहा, 12 रुपए का पोहा खा रहे हैं, 10 रुपए का समोसा, वो भी मीठा। बारह रुपए का पोहा खा रहे हैं, 10 रुपए का समोसा खा रहे हैं, खाने कुछ है नहीं हाईवे पे। और वो अलग चीज है, रोड टैक्स ले रहे हैं भाई, रोड टैक्स ले रहे हैं। नहीं है हाईवे पे, मतलब दिल्ली से लेकर अभी ढंगी ढंग रेस्टोरेंट तक नहीं मिला, बैठे चाय पी ले जा रहे। बाकी टोल तो बढ़िया दिए जा रहे, 1500 रुपये टोल लग चुका है अभी। बाकी अभी तो मुंबई का जब हमारा पहुँचेंगे तो वहाँ के टोल अलग होंगे, तो ज़्यादा ही टोल है। सो अभी हम इंदौर सिटी उज्जैन देपालपुर भोपाल आगरा, तो यही रूट है अभी हम यहाँ से जा रहे हैं उज्जैन। पता नहीं अभी फिर वापसी के लिए कौन सा रूट देना पड़ेगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, मुझे पता जाके पता चलेगा। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गए महाकाल के द्वार, उज्जैन महाकाल मंदिर के गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है। तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि यहाँ का बुलावा नहीं था, बुलावा जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो लग रहा है शिव जी ज्यादा मेहरबान है तुम पे, सारे दर्शन हो रहे हैं, सारे दर्शन हो रहे हैं।